काला धन, ये वो शब्द है जिसे वापस लाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के आम चुनाव में की थी और प्रचंड बहुमत से देश में सरकार बनाई थी। 2014 के बाद अब 2019 का कार्यकाल भी खात्मे की तरफ है और पीएम मोदी हैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 3 चरण लगभग संपन्न हो चुके हैं और अब 4थे चरण के लिए प्रचार किया जा रहा है। ऐसे में मोदी जी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। हालांकि राहुल ने उनके इस बयान पर पलटवार किया। दोनों के बयान पर आज चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो बेहद ध्यान से सुनना है क्योंकि पीएम मोदी ने अपने बयान में वो बात बता दी जिसका हम सभी देशवासी 2014 से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस के शहजादे मोदी जी थोड़ा सा घबरा गए क्या? अंबानी अडानी। नमस्कार, मेरा नाम है नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर की सभा में अचानक देश के बड़े उद्योगपति अंबानी अडानी का मुद्दा छेड़ दिया। उन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछा कि अक्सर अंबानी और अडानी के नाम लेकर सरकार को घेरने वाले राहुल गांधी चुनाव के बीच अचानक चुप क्यों हो गए। पीएम मोदी का बयान अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने कहा कि चुनाव में अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे मारे हैं। बयान लंबा है इसलिए आपको उतना ही वीडियो सुनवाते हैं। जरा ये साझादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा कि काले धन के कितने बोरे पहुंचे हैं। इसका मतलब जिस काले धन का इंतजार देश सन 2014 से कर रहा था वो काला धन मिल गया। पीएम मोदी इस बार हैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं और अगर हैट्रिक लग जाती है तो ईडी और सीबीआई की कार्यवाही काला धन रखने वालों पर होगी क्योंकि काला धन लेने वाला और देने वाला दोनों ही आरोपी होते हैं। और अब तो पीएम मोदी ने खुद ही बता दिया कि काला धन किन उद्योगपतियों के पास है। वहीं पीएम मोदी के इस बयान पर राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करके पलटवार किया। इस वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे, पहले ही ये वीडियो सुनिए। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, CBI ED को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाए। राहुल गांधी ने अपने वीडियो में कहा कि नमस्कार मोदी, थोड़ा सा घबरा के क्या? और इस तरह से राहुल गांधी ने मोदी जी को उनके ही भाषण में फंसा लिया। हालांकि पीएम मोदी ने इस भाषण में कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी। अपने बयान में पीएम मोदी ने कहा था कि चुनाव में अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे मारे हैं, टेम्पो भर कर नोट पहुंचे हैं। इस बयान के बाद राहुल गांधी ने पलटवार किया और कहा कि आपको ये भी मालूम है क्या, ये टेम्पो में पैसे देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक काम कीजिए, CBI ED को इनके पास भेजिए, पूरी इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। राहुल गांधी का लगातार बढ़ रहा कॉन्फिडेंस भाजपा को भारी पड़ता जा रहा है। पप्पू कहकर जिसे भाजपा के लोग अपने भाषणों में फंसा लेते थे और फिर बाद में सोशल मीडिया पर ट्रोल करते थे, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद अब राहुल गांधी भाजपा के हमलों के लिए तैयार रहते हैं और सोच समझ कर उनके बयानों का जवाब देते हैं। शायद इसीलिए मोदी जी ने कांग्रेस से इसका हिसाब पूछा तो राहुल गांधी ने इसका जवाब देकर पीएम को ही उनके बयान में फंसा लिया। खैर, पीएम मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या काला धन वापस लाएंगे और काला धन रखने वालों पर क्या कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।